सेवेंथ आज हम एक्सरसाइज 2.5 का बच्चे को क्वेश्चन करेंगे। 1 से 3 तक कर लिए थे, अब 4 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। वन फुल सीट ऑफ पेपर कवर्स एन एरिया ऑफ 55.25 स्क्वायर यूनिट। तो एक सीट के एरिया 55.25 स्क्वायर यूनिट है, तो हाउ मच एरिया विल बी हैंडल सच सीट। तो 100 सीट के एरिया निकालने हैं, तो इस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ वन सीट है, वो है आपका 55.25, ठीक है। तो एरिया ऑफ 100 सीट इज इक्वल हो जाएगा 55.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एरिया 100 सीट हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 0000000 5255। प्लस करते हैं, और इसके बाद पॉइंट के बाद देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आंसर आएंगे। यहाँ पे 1, 2 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 5525 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये है आंसर, इस तरह से करना था, सीधा मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन 5 में फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज लेंथ इज 14.35 मीटर एंड ब्रेथ इज 7.25 मीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजिकल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो करते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ हो गया आपका 14.35, इसको ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो है 7.25। तो मीटर में आंसर, मीटर से आंसर आ जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे आंसर, लेके आते हैं यहाँ पे, मतलब रफली आप दिखा देंगे 14.35 to carry 5 15 plus 2 17, 1 carry 4 5 20 plus 1 21, 2 carry 5 5 plus 2 7। अब आगे बढ़ेंगे, इसको क्रॉस कर दें, 5 2 10, 1 कैरी 3 2 6 प्लस 1 7, 4 2 8 2 1 2, 2 क्रॉस कर देंगे, 5 7 35, 3 कैरी 3 7 21, और 3 7 24 24 हो गया, 2 कैरी 7 28 29 30, 3 कैरी 7 7 9 10, ये हो गया। इसको प्लस कर देंगे, सात पाँच बारह 1 8 4 12 7 19 20, 1 2 3, ये
तो ये आंसर आ गया। उसके बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने में देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे दो डिजिट है, इधर भी दो है, दो और दो चार डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। चार डिजिट का पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा थ्री और जीरो के बीच में, ठीक है। तो आपका आंसर जो 103.037 का। स्क्वायर में आंसर जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है, 103.037। इस तरह से करना था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मंडला करना सीधा सिक्स करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सिक्स को। प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.91 डिवाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इसको करते हैं। तो पहले बोर्नस रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई, तो तीनों मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के अंदर है उसको करेंगे, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 0.2 को 0.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 14 2 28 28 28, अब दो क्या है, दो तीन, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो आपका, मैं मल्टीप्लाई दिखा देता हूँ, जीरो पॉइंट टू, तो 4 8 दो जीरो 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 8 2 0 0 एक दो के बाद यहाँ पे पॉइंट का दो नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, तो तीन के बाद पॉइंट लगा दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक दो तीन के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, आपका आंसर आएगा 0.028। लिखते हैं 0.028 प्लस, अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, रफली मैं दिखा रहा हूँ, इसको दिखाने आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ नेक्स्ट, 0.91 मल्टीप्लाई बाय 0.5 पाँच इंच को पाँच, पाँच ना 45, चार कैरी गया तो फिर चार आ जाएगा, फिर 0 0 0 आएगा, 5 5 4 0 एक दो तीन के बाद पॉइंट लग गया, ठीक है, तीन के बाद पॉइंट लगा देंगे आप, एक दो तीन, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.455 आएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ इसको लिख लेते हैं 0.455 डिवाइड बाय, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे आगे, मल्टीप्लाई बाय 0.2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 0 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
क्या तुमने भी एक दो दो क्या यहाँ पॉइंट लगा देंगे आप, ठीक है 0.02। तो इसके आंसर देते हैं 0.02।
इसको मिटा देता हूँ मैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इनको हमें प्लस करना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, और मैं आपको लिख देता हूँ। और वंस प्लस को वंस प्लस से प्लस करना है। आठ पाँच, आठ पाँच तेरह, तीन तक एक, पाँच छः सात आठ, चार जीरो चार होगा, पॉइंट 0.483 आ गया, ठीक है। और उसका डिवाइड करेंगे जीरो, तो डिवाइड अब इस बार क्या है बेटा, डिवाइड साइन इधर मत दिखाना, इसको आमने सामने दिखाएंगे। तो हम डिवाइड साइन ऐसे दिखाएंगे, डिवाइड बाय 0.02। अब पॉइंट हटा देंगे इसके बाद, ठीक है। इस आमने सामने दिखाएंगे, ये डिवाइड इस तरह से दिखाने से ईजी होगा। पहले इन दोनों को ऊपर वाले को प्लस कर दिया तो 0.483 आ गया। फिर इसको डिवाइड करेंगे 0.02, सब डेसिमल साइन हटा के डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने से 483 के नीचे आएगा तो 1 1 4 3 0। 3 0 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे देखना 1 2 3 डिजिट है। डिवाइड बाय अब 2 के नीचे 2 है, 0 को हटने लिखेंगे, 2 के नीचे यहाँ पे 2 है, सिर्फ नंबर 2 है और 0 है, 0 नहीं लिखना है, 2 लिख देंगे। और 2 के नीचे कितना आएगा, 1 के बाद 3 2 0 आएगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 ही डिजिट है, तो 0 2 है, तो 2 0 लगा देंगे। इस तरह से करना है, पहले पॉइंट डेढ़ से पॉइंट हट गया, अब आएगा डिवाइड साइन को मंडला में चेंज करेंगे, तो यह आ जाएगा 48 43 डिवाइड बाई 1000। मंडला करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 0 2 0 कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से हम 483 को 2 से डिवाइड कर देंगे और देखते हैं क्या आता है। 483 को 2 से डिवाइड करते हैं, ऐसा करते हैं नहीं तो मंटीला कर लो। चलो 483 को 1 से मिटा कर दो तो ऊपर में 483 हो गया, नीचे में 20 हो गया। 483 को 20 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं रफली 20 2 4 8 3 20 4 80। तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट देखे 1 0 ले लो, ठीक है। ट्वेंटी 0 1 10 आया, 1 0 उतरेगा पॉइंट के बाद, पॉइंट ले लिया तो 1 0 मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिक। 20 5 100, ये डिवाइड खत्म हुआ तो आपका आंसर आ गया 24.15। इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पे 24.15 और एंड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप बाद में करेंगे कल,